welcome dear students, welcome to all of you in Network Professionals, the Cisco Networking Academy, and I am your instructor Ahmed Malik. In our today's lecture, we are going to discuss about very popular and much needed certification of Microsoft, that is MCSE, stands for Microsoft Certified Solution Expert. Today we will discuss about what is MCSE, why we need MCSE, and what are the fundamental requirements for the job role of network administrator. We will discuss about the history of MCSE, server infrastructure, and its certification codes, and many more in this lecture. And also in the last segment, we will discuss about new advancements in this certification like Microsoft Azure and cloud computing. Our this lecture will be divided into two parts. ये lecture आपके career के लिए बहुत important है. मेरी दरख्वास्त है कि इसे end तक मुकम्मल जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी share करें. Assalamu alaikum dear students, welcome to all of you in our lecture 1 part 2. तो जैसा कि हमने अपने lecture के पहले हिस्से में ये देखा था कि different दौर में network engineers की certification ने कौन कौन सा सफर तय किया. सबसे पहले उसका नाम MCSE था 2000 में, फिर 2008 में MCITP हो गया, फिर 2012 में वो वापस MCSE पे आ गया, और फिर इस तरह 2016 और 2019 के सर्वर तक उसका नाम MCSE ही रहा. इस दौरान उसमें बहुत सारी चेंजिंग हुई, कोर्स कंटेंट बहुत सारा चेंज हुआ, और इसी के साथ साथ सर्टिफिकेशन के लिए भी बहुत सारी चेंजिंग आई. पहले एक एग्जाम था, फिर उसके 5 पेपर हो गए, और एट द एंड फिर 4 पेपर थे. तो खैर उसमें हम 3 डिफरेंट लेवल अचीव करते थे, MCITP था, फिर MCSE था, और MCSE. एक्चुअल में तो वो 3 डिफरेंट लेवल थे, लेकिन चूंकि वो तीनों लेवल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिक्सअप थे, तो जब भी नेटवर्क प्रोफेशनल ये कोर्स आपको पढ़ाता था तो हम उनको अलग अलग नहीं देखते थे, बल्कि हम उन तमाम चीजों को मर्ज करके एक कोर्स यानी MCSE में देख लेते थे. इस तरह से आपका MCITP भी कवर हो जाता था, MCSE भी कवर हो जाता था, और फाइनली आप MCSE हो जाते थे. ये तो बात थी सर्टिफिकेशन की. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करेंगे कि एज अ सिस्टम इंजीनियर आपका रोल क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एंड सो ऑन. ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि एक लेक्चर में हम कवर नहीं कर सकते थे. तो बैकअप इसके पार्ट 2 में हम जो सेगमेंट कवर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता और अगर आपको ये सेगमेंट नहीं समझ आता तो डेफिनेटली आप एज अ अच्छे सिस्टम इंजीनियर काम नहीं कर सकते. इसका ताल्लुक टोटली कंपनीज के साथ है और कॉस्ट डिपेंडेंट है. कॉस्ट के वाले से आपको पता है कि हर बंदा बहुत कॉन्शियस होता है. हर बंदा ये चाह रहा होता है कि उसको फीचर तो आईफोन वाले मिले, लेकिन उसके पास मोबाइल चाइना का ही, यानी वो पैसे पे करना नहीं चाह रहा होता, खर्चा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सारी फैसिलिटीज अवेल करना चाह रहा होता. तो सर खुश हो जाए, आज का ये लेक्चर आपको यही बताने वाला है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत मेजर चेंज आ चुका है. तो हमारे पास अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से 3 लेवल्स थे. हमारा जो पहला लेवल था उसमें ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी. ऑन प्रीमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर हमारी कंपनी को कोई 10 20 50 सर्वर्स चाहिए तो वो सारे सर्वर्स, राउटर, स्विचेस, नेटवर्किंग, बिल्डिंग, ये सारी चीजें हम अपनी फिजिकल लोकेशन के ऊपर अवेल करवाते थे, जिसके अंदर हमें बहुत सारा खर्चा करना पड़ता था. फिर इसके अंदर दूसरा दौर आया, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सर्वर 2012 के अंदर हमें वर्चुअलाइजेशन मिल गई. वर्चुअलाइजेशन जैसे ही आती है तो आपके जेहन में एक नाम आता है VMware का. तो VMware वालों ने हमें वर्चुअलाइजेशन दी. तो फिर खैर और भी प्लेटफॉर्म्स आ गए, जैसे हाइपरवी माइक्रोसॉफ्ट का है, वर्चुअल बॉक्स और एक्ल का है, एंड सो ऑन. तो उस दौर में ये हुआ कि बाकी खर्चे तो हमारे वैसे ही रहेंगे, लेकिन हमें फायदा ये हो गया कि अब अगर हमारे पास बहुत सारे सर्वर्स थे तो उसकी जगह हम एक या दो सर्वर से काम चला सकते थे. लेकिन ये जो तीसरा दौर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आया है, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग. तो क्लाउड ने क्या किया है, क्लाउड ने हमें
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, फिजिकल लोकेशन के मामले में, नेटवर्किंग के एंड सो ऑन, ये तमाम खर्चों से आजाद कर दिया है और हमें पे एज यू गो मेथड के ऊपर ले आए हैं, जिसके अंदर आपको शुरू शुरू में तो पर आवर्स का बिलिंग थी, यानी एक घंटे की बिलिंग थी, अगर आप एक मिनट भी यूज करेंगे तो एक घंटे का बिल पे करना पड़ेगा। फिर इसके अंदर मिनट्स पर मिनट का मॉडल आ गया, यानी आप जितने मिनट यूज करेंगे उतने मिनट, और इवन अब AWS ने अनाउंस कर दिया है पर सेकंड का मॉडल, तो पर सेकंड मॉडल आ गया। लेकिन ये इतना सस्ता क्यों हुआ? इसकी वजह ये थी कि दुनिया में सबसे पहले AWS क्लाउड ही जाना जाता था, लेकिन उसके बाद जब माइक्रोसॉफ्ट फील्ड में आया तो माइक्रोसॉफ्ट डेफिनेटली एक बड़ा ब्रांड था, तो उसने AWS के साथ कंपटीशन में अपने रेट्स को दोनों ने कम करना शुरू कर दिया और गिरते गिरते ये पर सेकंड मॉडल पे चले गए। तो पर आवर का मॉडल जो था वो AWS का था, फिर Azure ने पर मिनट का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर उसके बाद AWS ने हमें पर सेकंड का मॉडल दे दिया। तो खैर पर सेकंड और मिनट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन याद रखें कि दोनों कंपनीज, ये जो दो मेन कंपनीज है इसके इस वक्त, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि आपके पास गूगल क्लाउड है, इसी तरह अलीबाबा क्लाउड है, फिर IBM क्लाउड है, और एक्कल वालों का भी क्लाउड है, सेल्सफोर्स भी एक कंपनी है, सैप है, रैकस्पेस है, और VMware क्लाउड है। तो ये कुछ क्लाउड सर्विसेज मजीद मौजूद हैं। तो जैसे जैसे वक्त आगे चलता जा रहा है, इसमें कंपटीशन आता जा रहा है, और ये कंपटीशन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद सस्ता करता चला जाएगा। तो हमें इन सारी चीजों के मुतालिक थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं पहले दौर के मुतालिक, तो पहले दौर में हमारे पास पहली जो स्टेज थी वो था ऑन प्रीमिसेस इंफ्रा। ऑन प्रीमिसेस इंफ्रा का मतलब, जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि आपको कंपनी को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं रन करने के लिए किसी एक कंपनी को, तो इन तमाम चीजों को आपको सबसे पहली बात तो थी कि परचेज करना पड़ता था। इसके अंदर कॉस्ट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, जैसा कि आपको हार्डवेयर कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। अगर आपकी कंपनी के अंदर 50 चाहिए आपको सर्वर, जो कि एक नॉमिनल सी बात है, अगर आपको लगा होगा 50 सर्वर बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी भी इंटरप्राइज कंपनी में 50 सर्वर होना एक नॉर्मल सी बात है। तो जैसा कि आपको पता है, हमेशा हम इंटरप्राइज नेटवर्क को डिस्कस करने की बात कर रहे होते हैं, छोटे नेटवर्क को डिस्कस नहीं किया जाता, वो उसके अंदर ही आ जाता है। तो उसके अंदर आपको 50 सर्वर खरीदने पड़ते थे। फिर उसके बाद अगली चीज थी सॉफ्टवेयर की। तो याद रखें, सॉफ्टवेयर जितने भी हम यूज करते हैं क्लाइंट लेवल पे तो ये हमें फ्री में मिल जाते हैं, लेकिन ये सारे सॉफ्टवेयर पेड है। कंपनीज बेवकूफ नहीं है जो इतना पैसा लगाती हैं और ये नई नई एप्स और चीजें मुतारफ करवाती हैं। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं क्लाइंट लेवल पे तो हमें फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कंपनी लेवल पे ये तमाम के तमाम पेड है। एग्जैक्टली लाइक जैसे आप विंडो की बात करें तो हमें पायरेटेड विंडोज मिल जाती हैं, हमें सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, लेकिन कंपनी लेवल पे ये पेड है। तो इसी तरह से अगर आप सर्वर खरीदेंगे तो उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, हमें पता है वो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विद लाइसेंस अवेलेबल होते हैं, और इनका लाइसेंस काफी कॉस्टली होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस तो कभी भी फ्री नहीं होता, वो पेड ही होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कहा जाता है कि वो फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन याद रखें वो फ्री भी किसी हद तक है, टू सम एक्सटेंट वो फ्री है, लेकिन जब आप उनकी सर्विसेज यूज करते हैं या कुछ उनके लेटेस्ट फीचर्स को यूज करने की बात करते हैं तो वो लाइसेंसिंग फीस तो नहीं लेते, लेकिन अपनी सर्विसेज की चार्जेस जरूर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको ये भी पे करना पड़ता है। इसी तरह अगर आप अपनी कंपनी में ये सर्वर लगाएंगे, यानी अपना सर्वर रूम बनाएंगे और उसके अंदर ये सारे सर्वर डिप्लॉय करवाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ आपको हैवी जनरेटर्स भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आपको UPS भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ताकि बिजली जाने की सूरत में या पावर फेलियर की सूरत में आपकी मशीन्स डाउन ना हो, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि उसका सर्वर एक मिनट के लिए भी डाउन हो। ऑल्दो कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपका सर्वर हमेशा ही रहे, लेकिन फिर भी बात कंपनी में की जाती है कि 99.999% सिस्टम को अप होना चाहिए। तो खैर ये एक थ्योरी है कि इसको 5 9s बोलते हैं, कि इतनी देर हमारी कंपनी अप आएगी एंड सो ऑन। तो आप ये 5 9 का कॉन्सेप्ट
इंटरनेट से देख सकते हैं कि अगर आपके 5-9 टाइम आप पहले कितनी देर आपकी कंपनी डाउन होगी, तो फिर भी वो डाउन जरूर होगी लेकिन थोड़ी देर होगी। तो नेक्स्ट चीज है आपको और डाटा सेंटर कॉस्ट। डाटा सेंटर कॉस्ट के अंदर क्या है कि आप अपना जो सर्वर रूम बनाएंगे, एक्चुअल में वो एक छोटा सा डाटा सेंटर ही होता है। तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चाहिए होगी, वहां पे इंजीनियर्स चाहिए होंगे, वहां पे आपको कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, सिक्योरिटी सिस्टम देना पड़ेगा उसको, फिजिकल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी अपने डाटा सेंटर को। इसी तरह आपको वर्चुअल सिक्योरिटी यानी साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सारी चीजें भी अपने डाटा सेंटर को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जो कि बहुत कॉस्टली। नेक्स्टली आपको डेफिनेटली अपने पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए नेटवर्किंग की जरूरत पड़ेगी, यानी आपको बहुत सारे राउटर्स, स्विचेस और फायरवॉल्स इस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस करवानी पड़ेगी, आपको केबलिंग करनी पड़ेगी, आपको मॉडेम्स, आपको एक्सेस पॉइंट्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें इस नेटवर्क में डिप्लॉय करनी पड़ेगी। और उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको स्टोरेज कॉस्ट पड़ेगी, यानी आपकी कंपनी का डाटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी कंपनी जब काम करती है और उससे पूछा जाए कि सबसे महंगी चीज क्या है उनके नेटवर्क में, तो उनका जवाब यही होगा कि हमारा डाटा। तो किसी भी कंपनी का डाटा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस डाटा को स्टोर करने के लिए आपको बहुत बड़ी स्टोरेज यूज करनी पड़ेगी। तो इस स्टोरेज को डेफिनेटली आपको बैकअप भी देना पड़ेगा, तो फिर आपको मल्टीपल स्टोरेजेस लगानी पड़ेंगी जिसमें सैन है, नैस है एंड सो ऑन। और अगर आप अपने वॉल्यूम्स भी क्रिएट करना चाहें, तो हमारे कोर्स का ये पार्ट है जिसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आप डिफरेंट तरह की स्टोरेज कौन कौन सी यूज कर सकते हैं और किस तरह से उनको क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह आपको आईटी की लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा पे करनी पड़ेगी, यानी आपको अपने इस नेटवर्क को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी। और अगर आपने अपने नेटवर्क में कोई वर्चुअलाइजेशन की हुई है, तो आपको वर्चुअलाइजेशन की कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। खैर, वर्चुअलाइजेशन को हम नेक्स्ट अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे हम इस स्लाइड में इसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो मकसद क्या है कि आपको पहला जो दौर था उसके अंदर ये तमाम चीजें परचेज करनी पड़ती थी और अपने नेटवर्क में यूज करनी पड़ती थी। लेकिन इससे भी एक बड़ा मसला था, इससे बड़ा मसला ये था कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी नॉर्मल रूटीन में तो बेहतरीन चल रही है, लेकिन जैसे ही आपकी कंपनी फॉर एग्जाम्पल साल के एंड पे या 6 महीने के बाद एक दफा कोई ऑफर करती है, जैसे ही वो कोई ऑफर लॉन्च करेगी, तो एकदम से बहुत ज्यादा रश बढ़ जाएगा आपके सर्वर के ऊपर और आपके सर्वर उस रश को हैंडल नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त आपको पास अगर 50 सर्वर है, तो हो सकता है कि आपको 200 सर्वर की जरूरत पड़ जाए। तो अब आपको 150 सर्वर नए खरीदने पड़ेंगे, तो कोई हल नहीं था, मजबूरी थी, खरीदना पड़ते थे। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो जैसे ही कस्टमर्स का लोड बढ़ेगा, आपके सर्वर डाउन हो जाएंगे, यानी आपका नेटवर्क डाउन हो सकता था। तो उसके लिए आपको वो जस्ट 1 वीक के लिए बहुत सारे सर्वर खरीदने पड़ते थे, और जब आप सर्वर खरीदेंगे तो बाकी सारी चीजें भी आपकी उसी तरह से बढ़ जाएंगी। तो ये तमाम खर्चे सिर्फ वो एक हफ्ते के लिए आपको करना पड़ जाते थे। लेकिन आजकल जब हम नेक्स्ट मॉडल को डिस्कस करेंगे, तो आप देखेंगे ये सारे प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। आप एक स्केलेबल नेटवर्क, सिक्योर नेटवर्क और बिल्कुल नियर टू फ्री नेटवर्क की तरफ चले जाएंगे। अगर आप लेट्स सपोज बात करें कि हमें ये पूरा नेटवर्क डिजाइन करने के लिए 2-4 करोड़ रुपए की जरूरत थी, या मिनिमम कोई भी कंपनी 1 करोड़ से कम पैसे नहीं बनती थी, तो ये सारा खर्चा करना पड़ता था। लेकिन अब आपको ये सारे खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर दूसरा दौर आ गया, जैसा कि हमने जिक्र किया था कि सर्वर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने हमें वर्चुअलाइजेशन दी। तो वर्चुअलाइजेशन के लिए हमें डिफरेंट मॉडल का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास 2 मॉडल थे, एक तो Type 1 हाइपरवाइजर थे और नंबर 2 हमारे पास Type 2 हाइपरवाइजर थे। तो ये हाइपरवाइजर क्या होते हैं? हाइपरवाइजर का मतलब ये था कि आपका एक फिजिकल स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर आप कोई हाइपरवाइजर यूज करेंगे, और उस हाइपरवाइजर को यूज करके आप मल्टीपल वर्चुअल मशीनें बना सकते थे। तो ये कंसेप्ट बहुत मजेदार था। इसमें होता ये था कि लेट्स सपोज, जैसे हमने पिछली स्लाइड में किया कि आपको 50 सर्वर चाहिए, तो इसमें हमें 50 सर्वर नहीं चाहिए होंगे, बल्कि हम जस्ट 2 सर्वर खरीदेंगे, लेकिन वो 2 सर्वर हैवी सर्वर होंगे, उनके अंदर स्टोरेज, रैम, डिस्क, ये सारी चीजें, प्रोसेसर बहुत ज्यादा होंगे। और एज अ रिजल्ट क्या होगा, हम उन 2 सर्वर के ऊपर
कोई भी हाइपरवाइजर यानी वर्चुअलाइजेशन टूल यूज करके मल्टीपल अपने 50 सर्वर इजीली क्रिएट कर लेंगे और हमारा नेटवर्क चलना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, आप इलेक्ट्रिक कॉस्ट कम हो जाएगी, कूलिंग सिस्टम बेहतर हो जाएगा और सिक्योरिटी एंड सो ऑन, तो आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक कॉस्ट सिर्फ बढ़ेगी और वो ये है कि ये हाइपरवाइजर आपको परचेज करने पड़ेंगे, ये फ्री में नहीं है। दुनिया में जब भी हाइपरवाइजर की बात आती है या वर्चुअलाइजेशन की, तो हमारे जेन में वीएमवेयर का कॉन्सेप्ट आता है। तो वीएमवेयर ने दो तरह के हाइपरवाइजर इंट्रोड्यूस करवाए थे, टाइप वन और टाइप टू। टाइप वन हाइपरवाइजर कंपनीज में यूज करते हैं जो कि उनका ESXi सर्वर है। मकसद क्या है कि आपने एक हैवी किस्म का सर्वर खरीदा और उसके ऊपर ESXi सर्वर को इंस्टॉल कर दिया और उसके बाद आप उसके अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीनें इंस्टॉल कर सकते थे। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक छोटे नेटवर्क के लिए या ट्रेनिंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए भी एक हमें टूल दिया जिसका नाम था VMware Workstation। तो ये VMware Workstation हम इसको टाइप टू हाइपरवाइजर कहते हैं और इसको हम अपने आम विंडो या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करके एक दो सर्वर भी बना सकते हैं और अगर हम अपनी लैब्स करना चाहें तो हम इसको यूज करेंगे। तो डेफिनेटली ये हमारे उसका पार्ट भी है, हम जितनी भी लैब्स करेंगे उसके लिए हमें वर्चुअलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो सर्वर 2012 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना भी एक हाइपरवाइजर जिसका नाम ही उसने हाइपर वी रख दिया था, ये टूल इंट्रोड्यूस करवा दिया एंड सो ऑन। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके टूल्स आप यूज कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, या बिल्कुल छोटे से एक नेटवर्क के लिए आप टाइप टू हाइपरवाइजर यूज कर सकते हैं और कंपनी लेवल पे आप टाइप वन हाइपरवाइजर यानी ESXi सर्वर यूज करेंगे। दोनों में फर्क क्या होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि टाइप वन हाइपरवाइजर को चलने के लिए बेस में किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है, वो खुद ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो है, जैसे लिनक्स है। तो हम इसको डायरेक्ट सर्वर के ऊपर या क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाता है हमारे हार्डवेयर के साथ। तो ESXi सर्वर भी ऐसे काम करता है। जबकि अगर हम टाइप टू हाइपरवाइजर की बात करें, जैसे VMware Workstation है या माइक्रोसॉफ्ट का हाइपर वी है या Oracle वालों का है, तो ये तमाम एप्लीकेशन बेस्ड। क्या मतलब एप्लीकेशन, बिल्कुल जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चाहिए, तो जब तक हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडो इंस्टॉल नहीं होगी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज नहीं कर सकते। हमें VLC प्लेयर चाहिए, तो हमें VLC प्लेयर भी तभी हम यूज कर सकेंगे जब हमारे सिस्टम में विंडो होगी एंड सो ऑन। जैसे अभी हम ये जूम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं इसके थ्रू मैं आपको ये रिकॉर्डिंग और ये लेक्चर पढ़ाता हूँ, तो इसको भी चलने के लिए क्या चाहिए, बेस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। वो माइक्रोसॉफ्ट का भी हो सकता है, वो लिनक्स का भी हो सकता है, वो यूनिक्स का भी हो सकता है। इन द सेम वे ये जो टाइप टू हाइपरवाइजर है ये एप्लीकेशन बेस्ड है। मकसद क्या है कि ये बिल्कुल एक एप्लीकेशन की तरह चलते हैं और इनको चलने के लिए बेस में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो ये तो समझ लें कि सेकंड जनरेशन थी हमारे इंफ्रा। तो पहला दौर क्या था, हमें तमाम मशीनें फिजिकली परचेज करनी पड़ती थी, अगर 10 सर्वर चाहिए तो 10 सर्वर ही हमें परचेज करने पड़ेंगे और उनके ऊपर हम 10 डिफरेंट सर्वर रोल्स इंस्टॉल कर लेते थे। लेकिन फिर दूसरा दौर आ गया वर्चुअलाइजेशन का, अब हमें 10 की जगह एक सर्वर चाहिए और उस एक सर्वर के अंदर हम मल्टीपल वर्चुअल सर्वर बना सकते हैं और उन वर्चुअल सर्वर के ऊपर अलग-अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। उन पे हम कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं, हम उसके अंदर कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं और अगर हमें लिनक्स पे काम करना है तो हम लिनक्स भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था दूसरा दौर। लेकिन इसके बाद जो तीसरा दौर आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने आपको एक नया दौर दिया, नया दौर इसका था कि उसका कहा कि भाई ये जितनी बातें हमने पहले डिस्कस की हैं, आपकी कंपनी के अंदर आपको सर्वर चाहिए, आपको फिजिकल लोकेशन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, राउटर स्विच, ये सारी चीजों की अब जरूरत नहीं, आपको ये तमाम की तमाम चीजें अवेलेबल हो जाएंगी ये ऑन रेंटेड बेसिस। बिल्कुल जैसे आप किसी एरिया में, अक्सर ये एग्जाम्पल लेता हूँ, आप किसी शहर में चले गए, आपकी ट्रांसफर हो जाए, तो वहां रहने के लिए आपको एक घर चाहिए और अगर घर को देखा जाए तो नॉर्मली आपको आजकल के दौर में 1 करोड़ रुपए से कम का घर नहीं मिलेगा। तो अब आपके पास 1 करोड़ रुपया है भी नहीं और आप दूसरे नंबर पे देखें तो आपको सिर्फ थोड़े अर्से के लिए घर चाहिए, उसके बाद आप किसी और जगह ट्रांसफर हो जाएंगे तो फिर वहां पे भी जाके आपको घर चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, बजाय इसके घर परचेज करें आप एक घर रेंट पे ले लेंगे।
अब आपको 1 करोड़ रुपए का जो घर है आमतौर पर 15 से 20 हजार या 25 हजार रुपए रेंट में मिल जाएगा, और आप अगर उसको फॉर एग्जाम्पल 1 साल भी यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि आप 2-2.5 लाख रुपया यूज करके तो आपका गुजारा हो जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में मिलती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है कि आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है, आपके प्लेटफॉर्म है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी की सारी चीजें आपको बनी बनाई मिल जाएगी, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो एक तो चीज ये है कि आपको ये रेंटेड बेसिस पे मिलेंगी, लेकिन दूसरा फायदा ये है कि ये सारा नेटवर्क बहुत सिक्योर है, इसके अंदर स्केलेबिलिटी बहुत जबरदस्त है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी कंपनी एक सेल लगाती है, उसको फौरी तौर पर 1 वीक के लिए कुछ एक्स्ट्रा सर्वर्स चाहिए, तो उसको वो सर्वर्स परचेज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, अब आपको जो भी चीज चाहिए, अगर आप कोई इन्हांसमेंट चाहते हैं अपने नेटवर्क में, फॉर एग्जांपल आपको 100 सर्वर चाहिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में वो 100 सर्वर अपने नेटवर्क में ऐड कर लेंगे, और उसके बाद अगर आपको 1 घंटे बाद उसकी जरूरत नहीं है तो आप उन 100 सर्वर को रिमूव कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का बिल ही पे करना पड़ेगा। तो आप अपने नेटवर्क में सर्वर ऐड कर सकते हैं जब मर्जी चाहे, और इसी तरह से कुछ सर्विसेज चाहिए तो वो आप सर्विसेज ले सकते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन चाहिए तो वो आप रेडी टू यूज एप्लीकेशन अवेलेबल है वो आप अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। और अगर आप अपनी किसी बनी हुई मशीन में या सर्वर में कुछ रिसोर्सेज ऐड करना चाहें तो वो भी आप जब मर्जी ऐड कर सकते हैं। तो क्लाउड के ऊपर हमें ये तमाम फैसिलिटीज मिलेगी, इस पर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये हमारे कोर्स का मेन पार्ट है, तो हम इंशाल्लाह 1 महीना ये सारी बातें ही क्लाउड के मतलब पढ़ेंगे कि क्लाउड में क्या कुछ है और ये सारी चीजें कैसे होती हैं। तो मेरे पास इतना याद रखें कि इस वक्त 2 बड़े ब्रांड हैं जिनमें एक माइक्रोसॉफ्ट है और एक AWS। तो हम चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं तो हम माइक्रोसॉफ्ट का ब्रांड जिसका नाम है एजोर, तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड को पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था उसकी हिस्ट्री के मतलब थोड़ा सा, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर उसको मार्केट में कमर्शियल यूज के लिए 2010 में लॉन्च किया गया था। तो उसके बाद एक बड़ी तेजी से माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा कंपेरिजन करूँगा आपका AWS और माइक्रोसॉफ्ट का, तो AWS 2006 में आया था जबकि माइक्रोसॉफ्ट 2010 में आया था। इसी तरह अगर आप रीजन की बात करें, रीजन को आप सादा लफ्जों में समझ सकते हैं उनके डिफरेंट कंट्रीज जहां पे उनके डेटा सेंटर मौजूद है। तो AWS के पास 25 रीजन है जबकि एजोर के पास इस वक्त 54 रीजन है, यानी आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में आने के बावजूद एजोर को बीट कर दिया है। इसी तरह अगर आप अवेलेबिलिटी जोन की बात करें, अवेलेबिलिटी जोन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल 54 डिफरेंट कंट्रीज में माइक्रोसॉफ्ट एजोर का नेटवर्क है, तो उस कंट्री के अंदर मुख्तलिफ अवेलेबिलिटी जोन होंगे। अवेलेबिलिटी जोन का मतलब क्या है कि उसके अंदर उसके मल्टीपल डाटा सेंटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिल्कुल हमारे हमसाया मुल्क इंडिया को अगर आप देखें तो उसके अंदर एजोर भी मौजूद है और AWS भी मौजूद है। तो एजोर की अगर बात करें आप, तो एजोर ने 3 डिफरेंट डाटा सेंटर उसके अंदर बनाए हुए हैं, सेंट्रल इंडिया, ईस्ट इंडिया, पता नहीं वेस्ट इंडिया, इस तरह से उसने 3 डिफरेंट उसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन बनाए हुए हैं या रीजन बनाए हुए हैं। इसी तरह अगर आप देखें ये अवेलेबिलिटी जोन, तो AWS के कोई 78 अवेलेबिलिटी जोन है जबकि माइक्रोसॉफ्ट के पास 140 के करीब अवेलेबिलिटी जोन है। इसी तरह कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स, ये आपको पता है कि सर्विसेज के वाले से सर्टिफिकेट्स मिलते हैं कि किसकी सर्विस अच्छी है, तो AWS के पास कोई 46 सर्टिफिकेट्स हैं जबकि माइक्रोसॉफ्ट के पास 90 के करीब ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स हैं। और अगर आप एनुअल रेवेन्यू की बात करें तो AWS का रेवेन्यू कोई $33 बिलियन है सालाना, जबकि एजोर का $35 बिलियन में के करीब पहुंच चुका है। तो इसका ये मतलब हरगिज भी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एजोर बहुत अच्छा है और AWS अच्छा नहीं है, दोनों के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ जगहों पे AWS बहुत अच्छा काम करेगा और कुछ जगहों पे माइक्रोसॉफ्ट। तो मेन थीम क्या है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट
एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन सर्विसेज वगैरह यूज कर रहे हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर क्लाउड पे जाना चाहिए। वो ज्यादा कंपैटिबल है माइक्रोसॉफ्ट के टूल के साथ और ज्यादा अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप ओपन एनवायरनमेंट में है, ओपन सोर्स एनवायरनमेंट जैसे लिनक्स की बात करते हैं एंड सो ऑन, तो फिर आपको डेफिनेटली AWS ज्यादा सूट करेगा। उसकी वजह यह है कि AWS ज्यादा कंपेटिबल है ओपन सोर्स के साथ एनवायरनमेंट में, जबकि एज़्योर ज्यादा सूटेबल है माइक्रोसॉफ्ट के अपने एनवायरनमेंट में। अगर हम क्लाउड की बात करें तो क्लाउड के अंदर दो मेन टर्म्स आपको मिलेंगी। पहला दौर तो खैर ऑन प्रेमिसेस का था, जैसे आपको नजर आ रहा है, हमने इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। लेकिन उसके बाद दो तरह के क्लाउड हैं आपके पास, एक पब्लिक क्लाउड और एक प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या है? पब्लिक क्लाउड किसी कंपनी का अपना क्लाउड या डाटा सेंटर हो सकता है। अब उसकी मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो वो अपनी तमाम ब्रांचेज को एक सेंट्रलाइज प्लेस से मैनेज कर सकते हैं। और इसी तरह अगर उनकी कुछ पब्लिक सर्विसेज हैं और पूरी दुनिया के लोग उनकी वो सर्विस चूज करना चाहें तो वो सर्विसेज तक एक्सेस को दे सकते हैं थ्रू अपर सॉरी प्राइवेट क्लाउड। ये टर्म मिक्स कर दी तो इसको क्वेश्चन कर लें, पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड क्या है? किसी कंपनी का अपना क्लाउड है, अगर उसकी मल्टीपल ब्रांचेज है तो वो अपनी तमाम ब्रांचेज को वहां से सर्विसेज दे सकते हैं। और इसी तरह अगर उनके कुछ पब्लिक सर्वर है जो लोगों को भी वो पूरी दुनिया की यूजर को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपने प्राइवेट क्लाउड से वो सारी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पब्लिक क्लाउड। ये जो आपने अमेज़न की बात की, अलीबाबा की बात की, एज़्योर की बात करें या गूगल क्लाउड की, तो ये तमाम क्लाउड जो मैंने आपको बताए ये सारे पब्लिक क्लाउड है। पब्लिक क्लाउड का मतलब ये है कि आप इन कंपनीज की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अगर आपको एक मशीन चाहिए तो आप एक मशीन बना सकते हैं वहां पे जाके। अगर आपने अपना पर्सनल डाटा सेव करना है तो उसके लिए आप वहां पे स्टोरेज एलोकेट करवा सकते हैं। और अगर आपने मुकम्मल पूरी एक कंपनी डिजाइन करनी है तो आप इस पब्लिक क्लाउड के अंदर जितनी मर्जी रिसोर्सेज आपको जितने चाहिए ले सकते हैं और मुख्तलिफ रीजन में ले सकते हैं। पूरी दुनिया में इनके डाटा सेंटर मौजूद है। अगर आपकी कंपनी US में है तो आप US में ले सकते हैं। अगर आपकी कंपनी पाकिस्तान इंडिया में है तो आपको इंडिया, हांगकॉन्ग या मिडल ईस्ट सूट करेगा। तो इसी तरह से आप जिस भी रीजन में बैठे हैं वहां पे इनके डाटा सेंटर मौजूद हैं, आप वहां पे अपनी कंपनी बना सकते हैं। और इवन अगर आपकी कंपनी पूरी दुनिया में उसकी ब्रांचेज हैं तो आप अपनी कंपनी की ब्रांचेज अलग अलग रीजन में भी बना सकते हैं। उससे फायदा ये होगा कि आपकी कंपनी के जो लोग फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में बैठे हैं वो अमेरिका वाले सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे, जो लोग पाकिस्तान इंडिया में बैठे हैं वो पाकिस्तान इंडिया से कनेक्ट हो जाएंगे, जो लोग मिडल ईस्ट में बैठे हैं वो मिडल ईस्ट, और जो यूरोप में वो यूरोप में। तो इस तरह से तमाम लोगों को एक स्पीडी सर्विस अवेलेबल हो जाएगी। तो ये बहुत मजेदार कंसेप्ट है, इसको आप यूज कर सकते हैं। तो नंबर तीन पे एक और भी सिस्टम आपको मिलेगा जिसका नाम आपको सुनने में मिलेगा, हाइब्रिड क्लाउड। तो हाइब्रिड क्लाउड से मुराद क्या है? आपके पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का मिक्सचर। मतलब क्या है कि आपके कुछ सर्वर तो आपने अपने लोकल सर्वर में या डाटा सेंटर में लगाए हुए हैं लेकिन आपके कुछ सर्वर क्लाउड में पड़े हुए हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपनी लोकल मशीन्स को भी क्लाउड मशीनों के साथ या क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मर्ज कर सकते हैं, दोनों एक ठेकेदार मिलकर काम कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ों के लिए सिर्फ आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आनी चाहिए। तो अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग आती है तो आप अपने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लाउड के साथ मर्ज कर सकते हैं, और या फिर आप अपने लोकल सिस्टम को टोटली खत्म करके पूरी की पूरी कंपनी क्लाउड में डिजाइन कर सकते हैं। जी यहाँ पे आपको कुछ चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये इस लेक्चर के हवाले से। क्लाउड का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपकी सारी चीजें वहां पे होंगी या यहाँ पे होंगी, बल्कि आपके पास कुछ ऑप्शन हो। नंबर एक आपको नजर आया जाते ऑन प्रेमिसेस। तो ऑन प्रेमिसेस का मतलब क्या है कि ऑन प्रेमिसेस में आपके पास ऑप्शन है कि आप की तमाम सर्विसेज, ये तमाम सर्विसेज एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, मिडलवेयर, OS, virtualization, server, storage and networking. तो ये तमाम सर्विसेज कहाँ पे पड़ी हुई है? ब्लू कलर में आपको नजर आ रही है कि तमाम सर्विसेज हमारे डाटा सेंटर पे पड़ी हुई है। तो ये तमाम हमारे लोकल ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क में ये चीजें पड़ी हुई है। इसके बाद दूसरी चीज आपको नजर आती है मॉडल। तो क्लाउड में आपको तीन तरह के मॉडल मिलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जिसको IaaS हम बोलते हैं, IaaS, इसको S भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये आपको पहला मॉडल मिलता है। दूसरा मॉडल है आपका
SaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और तीसरा मॉडल आपको मिलता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इनको मैं अलग अलग से देख लेते हैं। अगर आप ये वाला मॉडल अडॉप्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इसके अंदर कुछ काम आप करेंगे और कुछ काम क्लाउड करेगा, यानी कुछ काम कामों की जिम्मेदारी आपकी आपके इंजीनियर की है, जबकि कुछ चीजों की जिम्मेदारी एज्योर की है, क्योंकि इस वक्त हम एज्योर क्लाउड की बात करें, इसमें AWS की बात हम नहीं कर रहे। तो इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन को, डाटा को, रन टाइम को, मिडलवेयर को और ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन डील करेगा, इन सारी चीजों को डील करेगा हमारा लोकल नेटवर्क। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होगा कि ये तो हम डील करेंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डील करेगा, वर्चुअलाइजेशन को, सर्वर को, स्टोरेज को और नेटवर्किंग को। अगर आप इससे बेहतर प्लेटफॉर्म की तरफ जाना चाहते हैं, आप SaaS की तरफ चल जाते हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो उस सूरत में आपकी जिम्मेदारी कम हो जाएगी और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसमें क्या होगा, आप आपने सिर्फ एप्लीकेशन और डाटा को देखना है, जबकि बाकी तमाम चीजों को एज्योर देखेगा। ये किसकी जिम्मेदारी, अदर मैनेजिंग अदर का मतलब क्या है, इसको एज्योर या AWS मानते हैं। और इसी तरह अगर आप थर्ड मॉडल पे चले जाते हैं जिसका नाम है SaaS, SaaS स्टैंड फॉर SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो इसमें आप देखेंगे कि आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म हो गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बिल्कुल जैसे हम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज करते हैं, लेकिन उन एप्लीकेशन में कोई भी काम करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सादा एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी फेसबुक है, तो जैसे कि आप लोग फेसबुक यूज कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक कैसे चलती है, उसके अंदर क्या सिस्टम है, उसकी तो कौन मैनेज कर रहा है कैसे, तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि हम बना सकते हैं और हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो आप खुद भी इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज अगर चाहें तो लॉन्च कर सकते हैं क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और आप क्लाउड की बहुत सारी सर्विसेज यूज भी कर सकते हैं क्योंकि अवेलेबल है। ठीक है जी, तो ये सारी ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है। तो इसके बाद आप लास्ट स्लाइड पे आते हैं, तो हमारी लास्ट स्लाइड है सर्टिफिकेशन के मुताबिक। तो बहुत सारे लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का ये जो नया ट्रैक है सर्टिफिकेशन का, ये समझ नहीं आता। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर कुछ कम्प्लेक्सिटी है, डेफिनेटली बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप देखें तो सिस्को का भी ट्रैक है जो हम CCNA पढ़ाते हुए मैं आपको डिस्कस करता हूँ, तो सिस्को का भी जो नया ट्रैक है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मिक्सिंग है, इन द सेम वे माइक्रोसॉफ्ट का है। तो यहाँ पे हमें जो बात मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी कि हमें क्लाउड में अब नई सर्टिफिकेशन आ गई हैं, सर्वर 2012-16 की सर्टिफिकेशन एब्सोल्यूट हो चुकी हैं, जो सर्टिफिकेशन करनी है वो तमाम क्लाउड बेस्ड सर्टिफिकेशन है। तो क्लाउड में सर्टिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो हमें जो सबसे पहली चीज करनी है वो है फंडामेंटल। तो पहला लेवल इसका फंडामेंटल है, इसके अंदर हमें जो सर्टिफिकेशन मिलती है उसका नाम है AZ 900। ये प्री रेकोजिट नहीं है किसी भी एसोसिएट लेवल के लिए, ये फंडामेंटल लेवल, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको ये फंडामेंटल लेवल लाजमी करना चाहिए। अगर किसी बंदे के भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एडवांस चीजें सीख तो लेगा, लेकिन उसके लिए वो उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगी जितनी के होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप नेटवर्क में देखें तो कॉम्प्टिया एक कंपनी है जो बहुत सारी सर्टिफिकेशन लॉन्च कर रही है और उसकी सर्टिफिकेशन पॉपुलर भी बहुत लोग करते भी हैं और कंपनी मानती भी है, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखें तो उसकी सर्टिफिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है। कुछ इसलिए नहीं है तो वो बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन है जो बंदे को वैसे ही पता होती है, जनरल बातें हैं अगर उसने अच्छा पढ़ा हो, लेकिन मसला ये होता है कि हम डिटेल से चीजें अपनी पढ़ते नहीं। अगर हम CCNA देखें तो CCNA की अगर 3 मॉड्यूल हैं, और मैंने कभी तक नहीं देखा अपने किसी स्टूडेंट को जिसने वो तीनों मॉड्यूल अच्छी तरह से पढ़े हो, अगर वो 3 मॉड्यूल की थ्योरी पढ़ ली जाए तो आप कॉम्प्टिया की सर्टिफिकेशन से कोई 100% ज्यादा, यानी 100 गुना ज्यादा चीजें आपको आ जाएंगी, लेकिन आप लोग वो नहीं करते बल्कि कहते हैं कि हमने ए प्लस की सर्टिफिकेशन करनी है। इसी तरह उनकी एक एन प्लस की सर्टिफिकेशन है, तो अगर आप CCNA को अच्छा सा पढ़ लें तो आपको एन प्लस की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप
देखें तो वो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जिसके लिए आपको सर्टिफिकेशन करते हैं। तो लोगों के पास ज्यादा पैसे होते हैं, मैं अब खर्चा नहीं करता इस पर, तो अगर वो कोई करना चाहे तो हम मना नहीं करते, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने कोर्स को जो हम आपको ऑफर करते हैं उसको ही अच्छा सा पढ़ ले तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाती हैं। तो इसी तरह से जब आप यहाँ पे आएंगे तो कॉन्टिनेंटल सर्टिफिकेशन है क्लाउड प्लस, तो क्लाउड प्लस की सर्टिफिकेशन भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एजर और AWS क्लाउड को जो ये हमारा कोर्स है इसको अच्छा सा स्टडी कर लें तो आपको उसकी जरूरत नहीं रहेगी, और अगर आप उसका पेपर देना भी चाहें तो बगैर उसका कोर्स पढ़े पेपर दे देंगे क्योंकि आपको सारी बातें आती हैं। तो बेटर आपको ये फंडामेंटल पढ़ना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँ जी। जब आप ये फंडामेंटल पढ़ लेते हैं तो उसके बाद इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके पास तीन डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पे, आप एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर, एज्योर डेवलपर और एज्योर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि हमें ये वाला ट्रैक चूज करना है क्योंकि हमें सिस्टम इंजीनियर की जॉब करनी है और सिस्टम इंजीनियर के लिए हमें तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमारा डोमेन बेस एनवायरनमेंट किस तरह से काम करेगा। तो इसके लिए हमें इस पाथ को चूज करना है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर किसी किस्म की प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहते हैं या आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो फिर आप इन चार्ट को भी चूज कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें काफ़ी एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग चाहिए आपको, बेसिक प्रोग्रामिंग के काम नहीं चलेगा। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो आप इस टैग को भी चूज कर सकते हैं। इसके लिए हमारा जो कोड है वो है, सबसे पहले तो ये 103 इन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन फिर उसके कुछ ही अर्से बाद इन्होंने नया कोड हमें दे दिया जो आजकल एप्लीकेबल है, वो 104 है। तो आपको ये AZ साथ ही रहेगा और 104 ही सर्टिफिकेशन आपको करनी है। और फिर इसके बाद दोबारा आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इधर ही आ सकते हैं और यहाँ से भी आप इधर ही आएंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन आर्किटेक्चर भी है और डेवऑप्स इंजीनियर भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको डेवऑप्स इंजीनियर की तरफ जाना चाहिए। इसका कोड है AZ400। तो लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये एक बहुत ही एडवांस लेवल की या एक्सपर्ट लेवल की सर्टिफिकेशन है और इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग भी सीखनी पड़ेगी। तो मैं इसीलिए आपको पिछले लेक्चर में या पार्ट वन में मैंने डिस्कस किया था कि हमें लाजमी तौर पर प्रोग्रामिंग की तरफ जाना चाहिए और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग हमें सीखनी चाहिए, हमें स्क्रिप्टिंग का पता होना चाहिए, हमें छोटे छोटे स्क्रिप्ट लिखने या उनको समझना कमर कम आना चाहिए। तो नेट पे आपको स्क्रिप्ट मिल जाते हैं, आपको लिखने नहीं पड़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको उन स्क्रिप्ट का पता तो होना चाहिए ताकि आप अपनी जरूरत के मुताबिक उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने नेटवर्क में उसको रन कर सकें, क्योंकि वो स्क्रिप्ट जिसने भी लिखा होगा उसने अपने एनवायरमेंट के लिए लिखा होगा या जनरल स्क्रिप्ट लिखा होगा। तो आपका टाइम तो बच जाएगा, आपको पूरा स्क्रिप्ट लिखना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप Wix.com पे चले जाएं या WordPress की बात करें तो आपको वेबसाइट्स के थीम तो मिल जाएंगे, लेकिन वो वेबसाइट्स आपकी कंपनी की वेबसाइट जैसी नहीं होगी, तो फिर आपको उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेंगी। उन मॉडिफिकेशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। तो जैक्टली सेम लाइन यहाँ पे भी ऐसा ही है, नेटवर्क में एक नई चीज़ आ चुकी है जिसका नाम है ऑटोमेशन, और ऑटोमेशन के लिए मैंने आपको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपको बहुत सारे टूल यूज करने पड़ेंगे और उन टूल को रन करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग पे काम शुरू कर देना चाहिए, कोई ना भी हो लेकिन अगर आप आहिस्ता आहिस्ता भी चलेंगे तो साल इन दो साल में आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं। तो थैंक यू वेरी मच आज के इस लेक्चर के लिए, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों लेक्चर को आपको मिला के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये पार्ट वन और पार्ट टू को अलग अलग देखेंगे तो कुछ बातें आपको समझ नहीं आएंगी। तो आपको ये पार्ट वन और पार्ट टू को दोनों लेक्चर को मुकम्मल सुनना है। आई होप इन लेक्चर को सुनने के बाद बहुत सारी नई बातें और नई चीज़ें आपको पता चल चुकी होंगी जिनको यूज करके आप एक अच्छे सिस्टम इंजीनियर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह मिलते हैं।